कक्षा नौ संस्कृत पद्य पीयूषम पाठ का नाम है क्रिया कारक युगल। इसमें चार श्लोक बता दिए हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहां तक बता दिए। आज पहले श्लोक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया। जैसे देखिए क्रोधार सम्मोहार स्तुति घनसार बुद्धि का सार, ये सब पंचमी के रूप यानी अपदान का। तो इसमें अपदान कारक का प्रयोग किया गया है। अर्थ सुनिए, क्रोधार भवति सम्मोह, सम्मोह मन होता है अज्ञानता। क्रोधार माने क्रोध से, पंचमी का चिन्ह से है, तो क्रोध से जो है सम्मोह होता है। सम्मोह माने अज्ञानता, यानी आदमी जब क्रोधित हो जाता है तो उसका ज्ञान खत्म हो जाता है। तो उसी को कहता है क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह भवति, बहुत बड़े होता है। और सम्मोहात अज्ञानता से, क्रोध से जो अज्ञानता होती है यानी सम्मोह होता है, अज्ञानता होती है, और अज्ञानता से सम्मोहात अज्ञानता से स्मृति विभ्रम, स्मृति माने स्मरण शक्ति, विभ्रमा माने नष्ट होती है। अज्ञानता से स्मरण शक्ति नष्ट होती है। दूसरी राय स्मृति घनसार, स्मृति नष्ट होने से, भ्रष्टमान नष्ट होने से बुद्धि नाश हो, बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। अब फिर बुद्धि का साथ, बुद्धि नष्ट होने से प्रश्यत, प्रश्यत में नष्ट होता है, आदमी स्वयं नष्ट हो जाता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वह आदमी ही नष्ट हो गया। तो अब फिर से एक बार देख लीजिए, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह यानी अज्ञानता होती है, अज्ञानता से सम्मोह माने अज्ञानता से स्मृति विभ्रम स्मरण शक्ति नष्ट होती है, स्मृति भ्रंसार स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो, बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नाशा और बुद्धि नष्ट होने से प्रस्थिति मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। ये हो गया पांचवी श्लोक का। अब छठवां श्लोक है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इन संबंध का अवश्य सप्तमी विभक्ति का रूप, अविद्यस्य अधनस्य अमित्रस्य, ये सब जो है संबंध कारक के रूप में। तो इसमें देखिए श्लोक के माध्यम से श्लोक का अर्थ भी सुनिए। अवश्य दो विद्या, अवश्य माने आलसी होता है, कुतो माने कहां से, विद्या यानी आलसी को विद्या कहां से, विद्या कहां मिलती है, अर्थात आलसी आदमी को विद्या नहीं मिलती। कोई कहता है तो विद्या है, आलसी को विद्या कहां, अर्थात आलसी को विद्या नहीं मिलती। अविद्या से कुतो धनम, और बिना विद्या वाले को कुतो धनम, धन कहां से, अर्थात बिना धन विद्या वाले को धन भी नहीं मिलता। आलसी को विद्या कहां, अर्थात आलसी को विद्या नहीं मिलती है, आप बिना विद्या वाले को तो धन धन कहां, अर्थात धन नहीं मिलता है। और धन से कुतो मित्र, जिसके पास धन नहीं है और धन से, तब कुतो मित्र उसका मित्र कौन, निर्धन आदमी का मित्र कौन होता है। और धन से कुतो मित्र, बिना धन वाले का मित्र कहां है, सुखम, जिसके पास मित्र नहीं उसको सुख कहां। तो एक बार फिर देख लीजिए अंतिम बात, कि आलसी को विद्या नहीं मिलती, आलसी को विद्या कहां, अर्थात आलसी को विद्या नहीं मिलती, और विद्या से कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं उसको धन कहां, अर्थात उनको धन नहीं मिलता। और धन से कुतो मित्र, जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र कहां, अर्थात मित्र नहीं मिलते। और मित्र से कुतो सुख,
जिसके पास मित्र नहीं होता उसको सुख कहाँ आता, तुम्हें सुख नहीं मिलता। धन्यवाद से शरीर।